नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल 360 ज्ञान पर स्वागत है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप भी अगर अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो किस तरीके से गैस फैकल्टी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसी विषय में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें एंड अगर आप मेरे चैनल 360 ज्ञान पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या पीसी, आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें, आपको अपना क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस पर आपको जाना है। वो सिंपली गैस फैकल्टी आपको ब्राउजर में टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं गैस फैकल्टी टाइप करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक ऑप्शन इसलिए आ गया मेरे में गैस फैकल्टी क्योंकि मैंने पहले सर्च कर चुका हूँ, तो मैंने टाइप कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ रहा है अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम gfm.mp.government.in की साइट है। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एप्लीकेंट्स फॉर गैस फैकल्टी इज नाउ अवेलेबल। मतलब दोस्तों, गैस फैकल्टी के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, तो मैं रजिस्टर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल आ गया है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपका, जो भी आपकी 10th या 12th या DED और BED की मार्कशीट पे, उसको आपको दे देना है। मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम आपको देना है और लास्ट नेम भी आपको देना है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है आपको, फोर्थ नंबर पे आ रहा है DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देना है, उसका जेंडर, उसके बाद आपका आपका शादी शुदा है तो उस पर टिक करना है, अनमेरिड है, मेरिड जो भी है उस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको कैटेगरी का ऑप्शन आता है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ST ST OBC जनरल हो तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फादर्स नेम देना है, अगर फादर्स नेम है तो फादर्स को नेम देना है, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देना, जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है इसी को आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आप अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई आपकी कहाँ से आप हो जिला, तो मैं अपने ज़िले आगरा मालवा पर क्लिक कर देता हूँ। उसका जो भी ब्लॉक आएंगे उसमें, तो उन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं आगरा पर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद अपना जो परमानेंट घर का एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आ गया पिन कोड, जो भी आपका जिले का पिन कोड है उसको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी आएगी। लॉगिन आईडी तो आपका मोबाइल नंबर होगा, उनकी पोर्टल की तरफ से एक पासवर्ड जनरेट होगा, उस पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है। और लॉगिन आईडी और जो आपका लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को आपको लॉगिन करने के लिए सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब भी तारीख दी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किए जाएंगे। तो अगर आप भी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपको आने वाले समय में इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।